नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपनी खेती अपनी प्रगति इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की अच्छी फसल तैयार करने के लिए फर्टिसेल नैनो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। एडवांस पेस्टिसाइड कंपनी का फर्टिसेल जो ब्रांड आता है, इसके अंडर 3 ग्रेड आ जाती है। 16, 16, 12 ये पहली ग्रेड आती है। दूसरी जो ग्रेड है वो 20, 50, 0 और तीसरी जो ग्रेड है वो है 0, 55, 35। तीनों के तीनों ग्रेड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एडिशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं। तो मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति YouTube चैनल। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जुताई के बाद और बुआई से पहले हमें कौन से फर्टिलाइजर खाद की इस्तेमाल हमें हमारे खेत में करने चाहिए। ये जो खाद की मात्रा है वो प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इतने डालनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जो आता है वो नाइट्रोजन 150 किलोग्राम हमें डालना जरूरी है। फॉस्फरस की मात्रा जो है वो 60 किलोग्राम डालना जरूरी है। पोटेश की मात्रा जो है वो 40 किलोग्राम। नीम खली, जो नीम तेल निकालने के बाद जो खली रहती है वो नीम खली 50 किलोग्राम। एरंड खली जो रहती है वो 50 किलोग्राम हमें डालनी बहुत जरूरी होती है। जुताई के बाद गोबर खाद की जो मात्रा है वो 5 से 10 टन के बीच में हमें डालनी है और उसके बाद ही बुआई करनी है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो रहता है वो सिंचाई का रहता है गेहूं के फसल में। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कब कब सिंचाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले सिंचाई जो है वो अपने ज़मीन के ऊपर और कौन सी वैरायटी हम लोगों ने बोई है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ वैरायटी अर्ली निकलने वाली रहती है या फिर कुछ वैरायटी देर से निकलने वाली रहती है। अगर देर से निकलने वाली वैरायटी रहती है तो उसको ज़्यादा बार सिंचाई करनी पड़ेगी, या फिर हल्की प्रति अगर हमारी ज़मीन होगी तो उसको भी ज़्यादा बार सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहली जो सिंचाई है वो 20 से 25 दिन में करनी है। दूसरी सिंचाई जो है वो 40 से 45 दिन में करनी है। तीसरी जो सिंचाई हो 60 से 65 दिन में करनी है। चौथी सिंचाई जो है वो 80 से 90 दिन में करनी है। बाद में अंत में पांचवी जो सिंचाई है वो 110 दिन के बाद हमें करनी है। इस तरह से हमें 5 बार सिंचाई करनी है। ज़्यादातर गेहूँ के फसल के लिए ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी 5 बार सिंचाई करने के बाद आपकी फसल निकल कर आएगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि ये जो फर्टिसिल ब्रांड के अंदर जो ग्रेड आती है एडवांस पेस्टिसाइड की, इसकी कब हमें इसका छिड़काव करना है, कब हमें इसका स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में हमें इसका स्प्रे करना है, ये जानने की पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ग्रेड आती है वो दूसरी सिंचाई के बाद 16, 16, 12 का हमें स्प्रे करना है। इसकी मात्रा जो है 2 ml से लेकर 2.5 ml तक हम इसका छिड़काव कर सकते हैं प्रति लीटर के हिसाब से। और इसी के साथ साथ कोई भी फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड लेकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 16, 16, 12 में ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा स्प्रे हमें कब लेना है। दूसरा जो स्प्रे है वो तीसरी बार सिंचाई करने के बाद, मतलब 60 से 65 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें दूसरी बार स्प्रे करने का है। उसमें फर्टिसेल की कौन सी ग्रेड इस्तेमाल करनी की, इसके बारे में मैं बताता हूँ। 20, 50, 0 ये जो ग्रेड आती है फर्टिसेल की एडवांस पेस्टिसाइड कंपनी की, इसका इस्तेमाल हमें करना है। 20, 50, 0 की जो मात्रा है वो 2 ml से लेकर 2.5 ml तक प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें एग्रीस्ट्रॉन्ग, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है एडवांस पेस्टिसाइड का, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति लीटर के हिसाब से हमें 2 ml लेना है। और इसी के साथ साथ अगर फफूंदी नाशक की अगर ज़रूरत होगी या फिर कीटकनाशक की यानी कि इंसेक्टिसाइड की अगर ज़रूरत होगी वो भी हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना दूसरा स्प्रे कर सकते हैं 60 से 65 दिन के बाद। अब हम तीसरा स्प्रे जो है नैनो फर्टिलाइज़र का, ये कौन से ग्रेड का हमें करना है और कितनी मात्रा में हमें करना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। फर्टिसिल ब्रांड के अंदर जो 0, 55, 35 ये जो ग्रेड आती है इसका स्प्रे हमें करना है। चौथी बार सिंचाई करने के बाद, मतलब कि बाली निकलने के बाद हमें इसका छिड़काव करना है, इसका स्प्रे हमें करना है। उसकी मात्रा जो है वो 2 ml से लेकर 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। इसी के साथ हम किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड या फिर फफूंदी नाशक यानी कि फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में चौथा जो स्प्रे है वो आईमीप्रो के, इसमें 46.5% पोटेश की मात्रा आती है, इसका भी छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। ये भी एडवांस पेस्टिसाइड कंपनी का आता है। इसमें इसकी जो मात्रा है वो 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेनी है और इसका छिड़काव हमें करना है। बहुत ही बेहतरीन फसल पाने के लिए ऐसे नैनो फर्टिलाइज़र की ग्रेड हमें इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और अगर अपने चैनल के ऊपर कोई नया किसान भाई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नई नई जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अंत में धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए।